19 में मैं हूँ आपके साथ मीनू चौहान। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। बारा के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं द्वारा दो दिनों से उग्र प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर सदर थाना CI रामभरो सिंह मीणा समेत पुलिस टीम द्वारा विद्यालय का ताला खुलवाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कहा कि प्रधानाचार्य हेमराज मीणा का स्थानांतरण बाड़मेर कर दिया है, जो स्कूल के हित में नहीं है। प्रधानाचार्य को स्कूल से कहीं और नहीं भेजने की मांग की जा रही है। इस दौरान छात्र अंकित सिंह ने बताया कि प्रधानाचार्य मीणा के सानिध्य में कहीं दूर बाड़मेर जिले में हो चुका है, इसलिए हम उनको रोकने के लिए स्कूल के ताला जड़ दिया हमने। तो वो टीचर आ गए होंगे ना वहाँ? तो टीचर, सभी टीचर अध्यापक वहाँ उपस्थित हैं। फिर क्या कारण है? वो पढ़ाई नहीं करते क्या? पढ़ाई करते हैं ना सर, वो हमारे प्रधानाचार्य महोदय हैं सर, उनको दूसरी जगह जाने नहीं देंगे हम। अनुशासन की जरूरत है, ठीक है, इसलिए ताला लगा रखा है। सर, उनको रोकना है हमें किसी भी। विद्यालय का परीक्षा परिणाम 10 या 15% से बढ़कर 80 से 90% ताला लगाने की सूचना मिली थी, उसके जाब्ता के माध्यम से ताला खुलवा गया है। मास्टरों को स्थापित के बच्चों की जो भी प्रॉब्लम है उनको उसका निकलना पड़ेगा। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत करवाया कि यहाँ पे इस तरह से स्कूल में ताला बच्चों द्वारा लगवाया खुलवा दिया। सर, ये बच्चे पढ़ने भी तो नहीं आए, घर निकल गए, क्या मामले? कुछ बच्चे आगे, कुछ के लिए अपनी स्वयं की इच्छा से स्कूल में नहीं जा रहे। सर, इन्होंने वो टीचर की मांग रखी है, अध्यापक की, प्रधान की जा रहे। अब ये जिला शिक्षा अधिकारी का मामला है, वो जो स्कूल पुलिस तो कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, हो गया है। बारा से न्यूज 19 के हमारे संवाददाता रविंद्र मेहता की एक रिपोर्ट।